नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 1 अक्टूबर 2022 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु मेष राशि में, मंगल वृषभ राशि में, सूर्य बुध शुक्र कन्या राशि में, बुध वक्री हैं और शुक्र नीच के हैं, केतु तुला राशि में, चंद्रमा आज भी नीच के हैं वृश्चिक राशि में, गुरु वक्री होकर के मीन राशि में, शनि वक्री होकर के मकर राशि में। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, ये खराब स्थिति है जहाँ पे शुक्र नीच के हैं, चंद्रमा नीच के हैं, बुध वक्री हैं, गुरु वक्री हैं और शनि वक्री हैं। जनमानस अपना ख्याल रखें। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, बहुत ही सावधानीपूर्वक अपनी चीज़ों को देखें, रखें, करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधानी बरतें, बच्चों के सेहत पे ध्यान रखें, प्रेम में तूतू मैमै से बचें। व्यापारिक दृष्टिकोण से करीब करीब ठीक रहेगा, लेकिन अन्य चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। हरी वस्तु का दान करें और सूर्य को जल दें, शुभ होगा। वृषभ राशि को स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा आपके अंदर, जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम बनी हुई है, व्यापार लगभग आपका ठीक चलता रहे। मिथुन राशि, शत्रु परास्त होंगे, किया गया प्रयास सफलता की तरफ लेके जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे लेकिन अच्छी स्थिति बन जाएगी आपकी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम संतान भी मध्यम है, व्यापार लगभग ठीक चलेगा। लाल वस्तु का दान करें और बजरंग बली को प्रणाम करते हैं। कर्क राशि, भावनाओं पे काबू रखें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक के रखें, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक है, प्रेम और संतान में थोड़ा मध्यम कहा जाएगा, प्रेम में तूतू मैमै का संकेत, व्यापारिक दृष्टिकोण से अति शुभ समय है, लाल वस्तु पास रखें। सिंह राशि, कलह से बचे, घरेलू सुख बाधित, यद्यपि भूम भवन वाहन की खरीदारी संभव है लेकिन फिर भी घरेलू सुख बाधित रहे, स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम संतान भी अच्छा है, व्यापार आपका लगभग चलता रहेगा, लाल वस्तु पास रखें। कन्या राशि, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम संतान भी मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से सही समय कहा जाएगा, पराक्रमी बने रहेंगे और आपका पराक्रम व्यापारिक सफलता निश्चित दिलाएगा, लाल वस्तु का दान करें, बजरंग बली को प्रणाम करें। तुला राशि, धन का आवक बढ़ेगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी लेकिन जुबान के कारण कुछ तूतू मैमै भी संभव है और निवेश अगर करेंगे तो धन हानि भी संभव है, प्रेम संतान मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से लगभग रुक रुक करके आप चलते रहे, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। वृश्चिक राशि, समाज में सराहे जाएंगे, आपका कद बढ़ेगा, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे, जरूरत के हिसाब से चीजें आपको मिलती रहेंगी, स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम संतान अभी भी मध्यम चल रहा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से एक सुखद अनुभव प्राप्त करेंगे आप, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते रहें, उनका जलाभिषेक करें, शुभ हो। धनुराशि, मन परेशान रहेगा, खर्च की अधिकता मन पे दबाव बनाएगी, स्वास्थ्य मध्यम दिख रहा है, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार में खर्चा थोड़ा ज़्यादा संभव है, लाल वस्तु पास रखना और बजरंग बली को प्रणाम करना शुभ हो। मकर राशि, आर्थिक मामले सुलझेंगे, कुछ समाचार के माध्यम से अच्छे समाचार की प्राप्ति भी संभव है, प्रेम और संतान की स्थिति अभी मध्यम चल रही है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत शुभ नहीं है लेकिन फिर भी आर्थिक मामले आपके सुदृढ़ रहेंगे, काली जी को प्रणाम करते रहें। कुंभ राशि, कोर्ट कचहरी में आपकी विजय दिखती है, राजनीतिक लाभ, पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम संतान भी मध्यम है लेकिन व्यापार की स्थिति अच्छी है, गणेश जी को प्रणाम करें, हरी वस्तु पास रखें। मीन राशि, यात्रा में लाभ होगा, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम की स्थिति भाग्यकारी है और संतान भी आपकी आज्ञा का पालन करेगी, व्यापार आपका ठीक ठाक चलता रहे, लाल वस्तु पास रखें। नमस्कार।